इन मुकदमात में कुछ नहीं। हम असल जो मुकदमात हैं जो नैब की अदालत में चल रहे हैं नवाज शरीफ साहब के, हम उनमें उनकी आनिया जानिया देख रहे हैं। ये अब जो नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं उनका नाम ECL के ऊपर डाला जाना चाहिए। ECL पे डालना इसलिए ज़रूरी है कि वो आएंगे अगली तारीख में फिर चले जाएंगे और फिर मुकदमा जो है वहीं पे लटक जाएगा जहां पे लटक रहा है। सो पाकिस्तान के लोग एक मंतकी इंजाम चाहते हैं इस केस का। सिंध में शर्जील मेमन को अरेस्ट किया गया, बड़ी अच्छी बात है। वो एक बड़े मुकदमे में 6 अरब रुपए के एलिगेशन है, उनको पकड़ा गया है। लेकिन जब वो एतराज़ करते हैं कि आपने हमें अरेस्ट किया और कैप्टन सफदर बाहर घूम रहे हैं, ज़मानत आपने उनको दे दी, तो इससे आम आदमी के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि आप एक VIP ट्रीटमेंट दे रहे हैं नवाज शरीफ और उनकी फैमिली को।